Jacob. दुरूद शरीफ पढ़ लें। सवाल कहा था करने को? स्प्रिंग 22 क्वेश्चन नंबर 7। हाँ जी, अगर किया है तो मैं डिस्कस करता हूँ, अगर नहीं किया तो किया है? चले, इसमें जो जो मसले हो सकते हैं वो करता हूं डिस्कस। जो सवाल क्लास में किया था उसमें साल का बजट था, और वो बजट जो अब मसाइल होने थे उससे पहले का बजट था। उसके बाद लोगों को खबरें पहुंची थी कि कंपनी बंद हो जानी है, उसके बाद काम के लोग छोड़ गए थे, उसके बाद फिर करने वाले फैसले थे कि अब साल चलाएं या अभी छोड़ के किराए पे दे दें। अब इसमें थोड़ा चेंज ये किया कि फैसला कर लिया हुआ है कि 31 दिसंबर को बंद कर देंगे फैक्ट्री। ZL हैज प्लान्ड टू शट डाउन इट्स फैक्ट्री इन कराची ऑन 31 दिसंबर 22। लेकिन जब ये फैसला हुआ था, हो सकता है जनवरी में फैसला हुआ हो, ये बात, ये न्यूज़ जब निकल पड़ी तो काफ़ी सारे स्किल्ड लेबर उन्होंने छोड़ दिया और 31 मार्च 22 की डेट देके वो छोड़ के चले गए, रिजाइंड इन प्रोटेस्ट इफेक्टिव फ्रॉम मार्च 31 2022। मैं पहला पैराग्राफ समझा रहा हूँ कि जो की लोग थे स्किल्ड लेबर, उन्होंने एहतजाज में रिज़ाइन कर दिया और उनका ये रिज़ाइन 31 मार्च से इफेक्टिव था। यानी 31 मार्च तक बस काम करना था उन्होंने, उसके बाद उन्हें छोड़ा जाना था। तो अब उनकी गैर मौजूदगी में बाकी 31 दिसंबर तक बचते हैं 9 महीने। अब कंपनी ने सवाल में क्या किया कि जो पूरे साल का बजट था, जो कल वाले सवाल में साल का बजट ही दिया हुआ था, अब उन्होंने उस साल के बजट को खुद ही 9/12 करके आपको दे दिया है। यूजिंग द ओरिजिनल बजट फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन हैज बीन एक्सट्रैक्टेड रिलेटिंग टू द पीरियड फ्रॉम अप्रैल से दिसंबर। उसमें से 9 महीने निचोड़ के ही आप तक पहुंचाएं। अब ये 9 महीने का बजट है जो सामने अवेलेबल है। जो कल क्लास में सवाल किया था वो पूरे साल का बजट था, ये 9 महीने का बजट है। यूनिट्स 9 महीने के, खर्चे 9 महीने के। अब उसके बाद अदर इंफॉर्मेशन बाद में पढ़ता हूं। ऑप्शन वन ये है कि फैक्ट्री का जो काम हमने अब 9 महीने मजीद चलाना था वो हम छोड़ देते और ये जगह किसी को किराए पे दे देते, और ऑप्शन टू हम ही 9 महीने पूरे कर लेते हैं स्किल्ड लेबर लाके। जो क्लास में सवाल किया था उसमें इस कंटिन्यू करने में आगे फिर 2 रास्ते थे, इसमें 2 नहीं है, इसमें बस एक ही रास्ता है। तो इसमें 2 ऑप्शन हैं, या तो हम फैक्ट्री अभी छोड़ के किसी को किराए पे दे दें और रिमेनिंग 9 महीने किराया कमा लें, या फिर खुद काम करें और कॉन्ट्रैक्ट पे लोग ले आएँ और बस किसी तरह 9 महीने प्रोडक्शन कर लें। यह है इस सवाल का ओवरऑल प्लान कि हमने 2 ऑप्शंस को कंपेयर करना है, एक अभी छोड़ के रेंट पे जाना, रेंट पे देना, और दूसरा खुद 9 महीने काम कंटिन्यू करना। ये मैंने पहला पैराग्राफ उसका नीचे बना हुआ टेबल और ऑप्शन 1 की हेडिंग बस और ऑप्शन 2 की हेडिंग बस ये समझाई है। इसके समझने से रिलेटेड कोई मुख्तलिफ मसले हैं तो बोलिए, जिन्होंने भी किया है। पहला पैराग्राफ उसका टेबल ये समझाया है अदर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन से पहले पहले, और ऑप्शन 1 की हेडिंग और ऑप्शन 2 की हेडिंग समझाइए बस। जिन्होंने किया है इससे रिलेटेड कुछ पूछना है तो पूछें। अच्छा, आपने प्रोजेक्टर का पूछा था तो क्या था उससे कोई मसला तो नहीं? हाँ, बस वो एक सवाल में दिखाने में। अच्छा, ठीक।
यार ये जान के स्विच निकाल रहे हैं ना भाई, ये एफ आई आर बंद में भी कुछ 3 दफा हुआ यार। अब ये जनरेटर से लाइट पे आया ना, अच्छा चले। ये मैंने आज से बड़ा डिसाइड करके आया था कि शुरू करूं, बहुत अच्छा हो गया, मैंने उसको बात ही नहीं की। अब पता नहीं कहां तक पहुंचे थे, कहां तक नहीं, कोई बात नहीं, ना आपको याद ना मुझे याद, बस ठीक है। अब जितनी भी क्लासेस हैं उसमें जो भी बता सकूं। आपने जब बचपन में शायद अपने पेरेंट्स से ये सीखा, यानी ये नहीं कि आपके पेरेंट्स ने, मुझ समेत, आप चूंकि आपको कह रहा हूँ इसलिए आप कह रहा हूँ, वरना मुझ समेत, या तो पेरेंट्स ने सिखाया इन अ सेंस, इस तरह नहीं कि बेटा ये ऐसे करना चाहिए, अपने हरकतों से सिखाया क्या झूठ बोलना, क्योंकि हमारे पेरेंट्स ने हमारे सामने बहुत मौक़ों पर झूठ बोला, या फिर पेरेंट्स ने कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर दी कि झूठ ही फरार का रास्ता नज़र आया। जैसे अगर एक बच्चा किसी मुश्किल में फंस जाता है तो सज़ा उसको मिलनी चाहिए, क्योंकि ये जो पिटाई लगाना है, सज़ा देना है, ये सीखने के लिए बाज़ू का ज़रूरी चीज़ है, ये ज़रूरी है। बाप की मार, बाप की सख्ती, ये जवानी में बुढ़ापे में जाके एहसास होता है इस बात का। अभी वैसे आप जिस एज में हैं मेरे ख्याल में आपने बहुत कुछ ऐसा ज़िंदगी में देख लिया होगा, जब आप इस चीज़ को एडमिट करेंगे कि हाँ बचपन में अगर इस पर सख्ती ना अबू ने की होती तो आज मेरे साथ भी ये हो रहा होता, जो मेरे दोस्त के साथ हो रहा है, आपको एट टाइम्स वो रियलाइज़ हुआ होगा। तो वालदैन की सख्ती ज़रूरी होती है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें वालदैन ईजी वे आउट के तौर पर सख्ती कर जाते हैं, हालांकि सख्ती उसका हल नहीं होता। सख्ती ऐसे ही है जैसे कोई बीमारी हुई और उस बीमारी का रिजल्ट ये निकला कि पेट में दर्द हुआ, डॉक्टर ने पेन किलर दे के बात ख़त्म कर दी। अब डॉक्टर ने जब पेन किलर दे दी तो उससे वक्ती तौर पर पेन तो दूर हो गई, लेकिन वो बीमारी अंदर ही अंदर बढ़नी शुरू हो जाएगी, दांत का दर्द है, चोट है। तो इसलिए कुछ मौके ऐसे होते हैं जहाँ पर वालदैन की सख्ती उस मसले को हल करने की बजाय उसको फ़िलहाल दबा देती है, तो वहाँ पर फिर बच्चे को झूठ बोलना एक रास्ता नज़र आ जाता है। तो किसी भी तरह से बचपन से अब तक आप बहुत सारे मौक़ों से झूठ बोलना सीखते आए होंगे, और अब आप जिस दुनिया में जाने लगे हैं आर्टिकल्स में, आपको अंदाज़ा हो जाएगा इसमें झूठ बहुत कॉमनली बोला जाता है, और बाज़ औक़ात तो ये इतना इंटरेस्टिंग बना दिया जाता है कि आपको लगेगा आप में एक स्केल आ गया, यानी आप इसको अपना एक स्केल समझेंगे कि आपको गोली करानी आ गई है। ये प्रोफेशन का कसूर नहीं है, इस प्रोफेशन में ये काम करने वालों का कसूर है। मैं ये नहीं कह रहा कि इस प्रोफेशन के अंदर झूठ है, इस प्रोफेशन के अंदर बहुत सारे स्टूडेंट्स अपने आर्टिकल्स के फेज में झूठ को कॉमन कर देते हैं अपनी आसानियों के लिए। तो आप अपनी पास की ज़िंदगी में भी और अभी जो आर्टिकल्स करने जा रहे हैं उसमें भी झूठ बहुत ज़्यादा आदि बन सकते हैं, बन जाएंगे। बुखारी 6094 सैयदना अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह तआला से रवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हो सकता है पहले बता दिया, ये बेशक सच आदमी को नेकी की तरफ ले जाता है और नेकी जन्नत की तरफ ले जाती है, और आदमी सच बोलता रहता है यहाँ तक कि वो सिद्दीक का मर्तबा हासिल कर लेता है, ये पूरा रूट है। और बेशक झूठ आदमी को बुराई की तरफ ले जाता है। क्यों बुराई की तरफ ले जाता होगा वैसे? क्योंकि जब झूठ बोलना शुरू कर दिया तो पकड़ने का खौफ ख़त्म हो गया, पकड़े जाने का। तो अब जब झूठ एक टूल अवेलेबल है कि हमने तो पकड़े जाने नहीं, हम तो झूठ बोल लेंगे, वो जो पकड़े जाने का खौफ होता है ना वो बुराइयों से रोक देता होता है। अगर अब्बा जी नज़र ना रहा, अच्छा आप में से जितने लोग यहाँ हॉस्टल में रहते हैं अपने इलाके में रहते हुए की बुराइयाँ, और अब जो आप बन चुके हुए हैं, वो फ़र्क इसलिए पड़ गया
कि यहाँ पर अम्मा अब्बा के जो है ना वो सीआईडी नहीं चल रही है, उस इलाके में चल जाती है, तो जो पकड़े जाने का खौफ है वो बहुत सारे बुराइयों से रोक देता है। तो झूठ चूंकि पकड़े ना जाने की में हेल्प करता है, तो बेशक झूठ आदमी को बुराई की तरफ ले जाता है, अब रूट चल रहा है पूरा, और बुराई जहन्नम की तरफ ले जाती है, और आदमी झूठ बोलता रहता है यहां तक कि वो अल्लाह ताला के यहां बहुत झूठा लिख लिया जाता है। ऑप्शन वन, एक तो अब इस 9 मंथ्स के लिए किराए पे देंगे 20 मिलियन का रेंट आएगा, ये 20 का रेंट आ गया। फिर इसके अलावा जो अभी के लोगों को इनकार करके छोड़ जाएंगे हम, कह जी हम तो जा रहे हैं सॉरी, उनको पेनल्टीज देनी पड़ेंगी। ये पेनल्टीज आ गई, क्यों रेलिवेंट? क्योंकि छोड़ेंगे तो पेनल्टी देनी पड़ेगी, तो ये पेनल्टी आ गई। अच्छा, ये वो पॉइंट है कुछ वैसा सा जो कल वाले सवाल में भी था कि इनके पास अभी इस वक्त 10,000 किलो पड़ा हुआ है स्टॉक में। अगर ये फैक्ट्री छोड़ के किसी को किराए पे दे देते हैं तो इस 10,000 किलो से दो रस्ते हैं, या तो इस 10,000 किलो को मार्केट में बेच दें, या फिर 10,000 किलो से 9,000 किलो रीटा बना लें। और वो बनाने का क्या फ़ायदा होगा कि वो जो ख़रीदना था है जी इधर गया, वो जो ख़रीदना था वो ख़रीदने के पैसे बच जाएंगे। तो इस पड़े हुए 10,000 किलो के हमारे पास दो फायदे के रस्ते हैं, या तो वो 10,000 किलो 160 का मार्केट में बेच दें, या फिर उससे रीटा बना के इतने पैसे बचा लें। लेकिन इतना खर्च करना पड़ेगा, यहाँ 10 क्यों यहाँ 9 क्यों? क्योंकि बताया हुआ है कि 140 रुपये पर केजी ऑफ इनपुट, 10,000 किलो डालेंगे इतना खर्चा आएगा, उससे 9,000 किलो रीटा बन जाएगा जिससे इतना पैसा बचेगा। तो इस ऑप्शन से हमने इस पड़े हुए 10,000 किलो से इतना कमाना है, इससे इतना कमाना है, तो इस पे जाएंगे। 1,750 मुझे इस पॉइंट पे आईकेप का सलूशन बाकी सब ठीक है, मुझे सिर्फ इस पॉइंट पे इख्तलाफ है। उन्होंने 1750 से 1600 का नेट लिया हुआ, ये मेरे इल्म में हजम नहीं हो रही बात कि नेट लेना बनता नहीं है, बस जो हायर उसमें से वो ले लिया। किसी को इख्तलाफ हो तो मुझसे बेशक अलग से ज़रूर बात कर ले, बहरहाल मेरे इल्म में तो ये 1750 आना चाहिए। क्योंकि जो सवाल कल हमने क्लास में किया था ये वैसा ही पॉइंट है जिसमें हमने कल 15,000 किलो किसी और मटेरियल में कन्वर्ट करके 18 रुपये बचा लिए थे, तो उस 18 रुपये को एज अ बेनिफिट ही लिया था। तो ये बिल्कुल वही वाला पॉइंट है, तो इस 1750 को एज अ बेनिफिट लेना चाहिए, तो ये 1750 यहाँ आ गया। मैं कितनों से कर रहा हूँ बात को सुन भी रहे? ये जो ऊपर बजट बना हुआ है इसमें ये 0.3 सुपरवाइजर की सैलरी आ रही है 3.6 मिलियन। ये 3.6 मिलियन कितने अरसे की सैलरी है? 9 महीने की। क्योंकि ये जो ऊपर बजट बना है ये कितने अरसे का है? ये 9 महीने का है। इसमें ये जो फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड्स हैं, बजटेड फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड्स इंक्लूड सैलरी ऑफ फैक्ट्री सुपरवाइजर 3.6 मिलियन, ये 9 महीने की है। 3.6 9 महीने की कैसे पता? क्योंकि ऊपर टेबल 9 महीने का है। अगर हमने फैक्ट्री छोड़ी और किराए पे दी, यानी उस बंदे को फारिग किया, तो टर्म्स कुछ ऐसी हैं कि उसको 9 नहीं साल की तनख्वाह देनी पड़ेगी। हमने फैक्ट्री छोड़ के किराए पे दी, एन अमाउंट इक्वल टू 12 मंथ सैलरी वुड हैव टू बी पेड टू फैक्ट्री सुपरवाइजर। देखें, ये ऑप्शन वन की इंफॉर्मेशन है। अगर हम ऑप्शन वन पे गए तो फैक्ट्री के लोगों को तो अभी निकाल देंगे ना कि चलाएंगे उनसे काम, हम फैक्ट्री रेंट पे दे देंगे। तो अगर तो उससे काम करवाया तो फिर तो 9 महीने जितना काम करवाएंगे उतनी की तनख्वाह देंगे, लेकिन अगर फैक्ट्री अभी हमने छोड़ दी तो फिर उसको पूरे साल की तनख्वाह देनी पड़ेगी। तो अगर ऑप्शन वन पे रहते हैं तो 12 महीने की तनख्वाह जानी है, और अगर कंटिन्यू करते हैं तो 9 महीने की तनख्वाह जानी है। तो इधर मैंने 9 महीने की तनख्वाह लिख ली, इधर मैंने 12 महीने की तनख्वाह लिख ली। इसको ऐसे भी प्रेजेंट कर सकते हैं जो आईकेप के सेशन में था कि इधर ना लिखें और इधर 1200 लिख लें, वो भी ठीक है। अगर कंटिन्यू करेंगे तो फिर तो 9 महीने काम करेगा ये है, लेकिन अगर अभी किराए पे दे देंगे तो फिर उसको 12 महीने की तनख्वाह देनी पड़ेगी। अगर 3.6 9 महीने की है तो 12 महीने की कितनी होगी? यहाँ 4800, यहाँ 3600 लिख लें, या यहाँ कुछ ना लिखें और यहाँ 1200 लिख लें, दोनों बातें सही हैं। पॉइंट नंबर 5,
ये जो सेल ऑफिसर्स हैं, पॉइंट नंबर फोर ऊपर अदर इंफॉर्मेशन में पॉइंट फोर, सेलिंग एक्सपेंसेस जो के ऊपर बजट में आ रहे हैं 8200, सेलिंग एक्सपेंसेस रिप्रेजेंट इंक्लूड्स होता तो उसमें कुछ शामिल होते, रिप्रेजेंट्स यानी बस यही है, यानी जो ऊपर 8200 आ रहा है इसी 8200 की बात हो रही है। सेलिंग एक्सपेंसेस रिप्रेजेंट सैलरीज ऑफ पांच सेल ऑफिसर्स जिनको हमने हायर किया है एक थर्ड पार्टी से, कोई एडवर्टाइजिंग एजेंसी होगी, कोई मार्केटिंग एजेंसी होगी, उनको कहा होगा कि आप पांच लोग दे दें हमें, और उनके साथ जो कॉन्ट्रैक्ट किया है वो 31 दिसंबर 2022 तक का कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ। ये उन लोगों की सैलरीज हैं जो ऊपर 8200 आ रही हैं। अगर हमने फैक्ट्री अभी छोड़ के किराए पे दे दी तो इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट तोड़ना पड़ेगा, अगर कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा तो फिर 30% पेनल्टी देनी पड़ेगी, यानी जो ऊपर हमने उनको तनख्वाह देनी थी उसका 30% पेनल्टी में देना पड़ेगा। या फिर अल्टरनेटिवली हम इन लोगों को अब हायर तो कर ही चुके हैं तो इन लोगों से कोई और काम करा लेंगे, और कोई और काम कराने के लिए इनको लाहौर भेजना पड़ेगा तो लाहौर भेजने के लिए उनके टिकट का खर्चा होगा। तो जिन लोगों को हमने ऑलरेडी हायर कर लिया है, जिनको 9 महीने की तनख्वाह देने का फैसला कर लिया है, अब या तो वो तनख्वाह दे दें, सॉरी या तो उनको निकाल दें और 30% पेनल्टी दे दें, या फिर उन लोगों को यूज कर लें ऐसे ही और उनको लाहौर भेज दें। तो अब जो सस्ती ऑप्शन पड़ेगी हमें हम वो यूटिलाइज करेंगे, तो ये सस्ती ऑप्शन। तो ये है और क्या करते हैं, हो सकता है उनको वहां पर कोई घर फर्निश करके दिया हो और उनको कहो किराया तुम देते ना तो हम बस फर्निश कर देते तुम्हें, या फिर उनको हो सकता है पूरी फैमिली शिफ्ट करनी है और रीलोकेशन अलाउंस दिया उनको, बस टिकट तो मैंने वैसे बोल दिया था, रीलोकेशन अलाउंस दे रहे हैं उनको, तो हम या तो उन लोगों को पेनल्टी देके फारिग करें या उनको कहीं और एडजस्ट कर लें, तो हमें ये सस्ता ये वाला कॉस्ट करेगा, तो इसलिए 2000 ले लिया। अच्छा आप देखिए कंटिन्यू में उस 8200 को क्यों नहीं लिखा, ऑप्शन वन में चूंकि हमने ये वाली चीज इस्तेमाल की है 2000, तो ये क्या है 2000 वाली ऑप्शन कि हम उनको कंटिन्यू करेंगे, ये 2000 क्या चीज दी हमने कि हम उनको कंटिन्यू करेंगे, 8200 देने थे देंगे बस लाहौर भिजवा देंगे, और यहां पर अगर फैक्ट्री ही हमने चला ली तो 8200 तो देंगे, यानी हम फैक्ट्री किराए पे दे दें तो भी 8200 देना है, या अगर फैक्ट्री खुद चला लें तो भी 8200 देना है, इसलिए 8200 कहीं नहीं लिखा। ठीक है, तो सिर्फ ये जो रिलोकेशन है सिर्फ ये लिखा। अच्छा ये जो कंटिन्यूअस शटडाउन है ना, इसमें सिखाने के एतबार से रूल ही था मेरे पास बस कि दोनों ऑप्शन को अलग अलग सॉल्व करें, अब उन दोनों ऑप्शंस में क्या क्या आइटम्स होंगी वो सवाल वाला ही बता सकता है, यानी अगर आपको इस सवाल को करते, मुझे मुश्किल सवालों में है कंटिन्यू शटडाउन, लेकिन इसमें ऐसी कोई चीज नहीं है जो मैं आपको सिखाऊं उससे सवाल हो जाए, ये सवाल वाले ने बताना है कि इसमें क्या क्या टर्म्स तय हो रही हैं। अब ये जो सारा कुछ सवाल के अंदर लिखा हुआ है मैं आपको ये कोई ऐसी चीज नहीं सिखा सकता कि आप वो सवाल वो चैप्टर पढ़ लिया होता आप ये सारी चीजें पहले पढ़ चुके होते, नहीं ये तो सवाल वाले ने बताना है, मैंने तो आपको बेसिक जो इतने अरसा लगा के रेलिवेंट का कॉन्सेप्ट सिखाया था, तो ये उसी की टेस्टिंग है। हाँ है मुश्किल, ठीक है मुश्किल है, लेकिन ये है उसी की टेस्टिंग, इसलिए तो डिसीजन मेकिंग में आखिर में इस चीज को हाथ डाला, तो ये है उसी की लेकिन थोड़ी मुश्किल टेस्टिंग है, तो आप इन्हीं 2-3 सवालों को बार बार अच्छी तरह से गौर करके हाथ से गुजारेंगे इन पे गौर करेंगे तो ही यही इसका तरीका पक्का करने का। हाँ थोड़ी तसल्ली की बात, अभी अभी ये टेस्ट हो गया है स्प्रिंग 22 में 20 नंबर का, तो अगर किसी का प्लान तो स्प्रिंग 23 ऑटम 23 भी करने का है तो फिर तो वो इसको करे, वरना ऑटम 22 में इसके चांस निस्बतन कम है, लेकिन दोबारा रिपीट हो सकता है सेम सवाल। हाँ जी 0.5, अच्छा जी और क्या रह गया, हाँ
ये वही, ये वाला पॉइंट किधर गया? अगर अभी प्लांट बेच देंगे तो 28 का बिक जाएगा, ये वो 28। ये है अगर हम फैक्ट्री रेंट पे दे देते हैं तो। लेकिन अगर हम फैक्ट्री करते हैं कंटिन्यू, इसमें एक चीज़ तो आएगी जो सवाल करते हुए शायद आप लोगों से नहीं तो एग्ज़ाम में बैठे हुए तो तकरीबन लाजमी लोगों से हुआ होगा, कि ये जो ऊपर टेबल बना हुआ है, ये वैसे हमने कल सवाल में की थी ये बात, ये टेबल बना हुआ है 50,000 यूनिट्स का, जबकि कंटिन्यू ऑप्शन सारी की सारी 45,000 से होने वाली है। इसलिए जो भी चीज़ आपने ऊपर से वेरिएबल उठानी है वो 45-50 करनी नहीं भूलनी, जो मटेरियल लेना है वो 45-50 के हिसाब से करना है, जो वेरिएबल ओवरहेड लेना है वो 45-50 के हिसाब से करना है। लेबर में भी 45-50 जरूर करते, लेकिन इसने लर्निंग कर्व डाल दिया बीच में, तो उसकी तो कैलकुलेशन ही अलग हो गई। अच्छा जी, अच्छा आज एक्स्ट्रा क्लास तो है, इसलिए आपका आज का होमवर्क यही सवाल, आप इसको दोबारा गौर करें और इस सवाल के साथ साथ जो क्लास में सवाल किया था इन दोनों को कंपेयर भी करें, ताकि आपको ना कॉमन चीज़ें साथ कंपेयर करके फिर कॉन्सेप्ट उससे बेहतर होते हैं कि इस सवाल में ऐसा क्यों नहीं किया, उसमें तो मिलती जुलती बात थी, उसमें ऐसा क्यों किया था। अच्छा दोनों में सेम काम किया, इसका मतलब ये दोनों में सेम है, तो क्या इसमें क्या ऐसी बात लिखी है दोनों में सेम है, इससे बहुत सारी सीखने को चीज़ें मिलेंगी। तो यही सवाल और वो जो स्प्रिंग 15 नहीं ऑटम 15 जो क्लास में किया था, ये दोनों सवाल आपने दोबारा देखने। अच्छा जी, ये एक इक्वेशन समझे जी, जो आपको ऊपर इस वक्त सेल्स दी हुई है 8,375,000, टोटल सेल्स बनती हैं सेल प्राइस इनटू यूनिट्स, टोटल सेल सेल प्राइस इनटू यूनिट्स। चूंकि अब यूनिट्स बदल जाने, ये 50 थे अब 45 हो जाने, तो हमें सेल्स की भी अमाउंट चेंज करनी पड़ेगी। लेकिन इसको इसलिए 45/50 नहीं कर सकते क्योंकि ये दो तरह के यूनिट्स हैं, एक वो हैं जो किसी से हम वादा कर बैठे और एक वो है जो अदर से, और दोनों की सेल प्राइस फर्क है। ये बात मेरी दोबारा समझें, इस सवाल से हटके एक बात कर रहा हूं, 50,000 यूनिट्स 100 रुपए का एक, अगर एक की 100 रुपए प्राइस होती और 50,000 यूनिट्स की 5,000,000 रुपए की सेल होती तो 45,000 की 4.5 मिलियन की होती। अगर इस सवाल में ऐसा होता कि सेल प्राइस चेंज नहीं होती, सब यूनिट्स की एक जैसी होती, तो हम सिंपली क्या करते कि ये 50,000 यूनिट्स की है, इसको 45 बना देते, कैसे 50 से डिवाइड करके प्राइस निकालते, 45 से मल्टीप्लाई कर देते, जैसे उस कल वाले सवाल में किया था। लेकिन अब यहाँ क्या मसला है कि ये जो यूनिट्स 50,000 हैं ये सब सेम प्राइस के नहीं हैं, इनमें से कुछ की प्राइस और है, कुछ की प्राइस और है। कॉन्ट्रेक्चुअल सेल्स रिप्रेजेंट 75% ऑफ द टोटल बजटेड सेल्स वॉल्यूम, यानी जो टोटल हमने 50,000 यूनिट्स का बजट बनाया हुआ है, इसमें से 75% यानी 37,500 यूनिट्स हम किसी से वादा कर चुके हैं, कॉन्ट्रेक्चुअल सेल्स कॉन्ट्रैक्ट कर चुके हैं, ये हमने बेचने ही बेचने हैं ऑन प्रायोरिटी, ये बेचने ही बेचने हैं। सेलिंग प्राइस फॉर कॉन्ट्रेक्चुअल सेल्स इज 20% लोअर देन नॉर्मल प्राइस, लेकिन जो अदर कस्टमर्स हैं उनकी सेल प्राइस 5% लोअर है। फिर से सुने, अगर हमारी नॉर्मल सेल प्राइस 100 रुपये है ना, ऐसी 100 ज्यूम कर रहा हूँ, अगर नॉर्मल सेल प्राइस 100 रुपये है तो जिनसे वादा किया हुआ है उनको हम 80 रुपये की बेचते हैं और बाकी लोगों को 95 रुपए के। अगर हमारी नॉर्मल प्राइस 100 रुपए है तो हम नॉर्मल लोगों को 5 रुपए की बेचते हैं, उनको हम 80, 5 रुपए का डिस्काउंट देके 95 रुपए की बेचते हैं, और उनको हम 20 रुपए का डिस्काउंट देके, यानी कुछ यूनिट्स की सेल प्राइस 80 रुपए है, कुछ की सेल प्राइस 95 है। अगर तो सेम सेल प्राइस होती तो 8,375 को हम सिंपली 45/50 कर देते, लेकिन अब सेल्स सेल प्राइस डिफरेंट है, इन में से 50 में से इतने तो कॉन्ट्रैक्ट वाले हैं, इतने अदर हैं। अब जब 50 की जगह 45 होंगे तो ये फिर भी 37,500 ही होंगे,
ये 50 में से 37 500 कॉन्ट्रेक्चुअल हैं, ये हमने बेचने ही बेचने हैं, तो ये फिर भी 37 500 ही रहेंगे, बाकी फिर अदर हो जाएंगे। ये वाला पॉइंट पहले देखिए, जिन्होंने किया है उनको ना समझ आया हो, ये 37 500 कैलकुलेट 50 हजार के जरिए किए, क्योंकि 75% ऑफ टोटल बजटेड सेल्स वॉल्यूम, इसमें से 75% यानी 37 500 यूनिट्स, ये 37 500 यूनिट्स बनाने की एक पहली थी कि 75% ऑफ बजटेड वॉल्यूम्स, वरना हमने किसी से ये थोड़ी कॉन्ट्रैक्ट किया होगा कि सेल्स का 75% आपको बेचेंगे। किसी से कॉन्ट्रैक्ट क्या किया होगा कि आपको 37 500 यूनिट्स बेचेंगे? वो तो सवाल वाला 37 500 यूनिट्स बनाने बताने की बजाय ये कह रहा है कि इसका 75%। अब अगर हमारी सेल्स उतनी नहीं हो सकेंगी तो कौन सी सेल्स हैं जो अब उतनी नहीं हो सकेंगी? अदर वाली। तो वो जो अदर पहले 12 500 सोची थी उनमें से 5 हजार नहीं हो सकेंगी, वो 7.5 होंगी। तो इसलिए अब आपको सेल्स निकालने के लिए यूनिट्स पता चल गया, प्राइस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। प्राइस नहीं पता, ये तो मैंने खुद से 100 रुपये बोली है, प्राइस नहीं बताई भी। अब वो प्राइस कैसे निकालनी है उसके लिए पूरी इक्वेशन बनानी पड़ेगी। ये जो सेल्स अभी इस वक्त निकली हुई हैं, इसकी मैं इससे इक्वेशन बनाता हूँ। अगर मैं सेल प्राइस नॉर्मल, जिसको मैं 100 रुपये बोल रहा हूँ, एक्स कह दूँ, तो ये टोटल सेल्स की फिगर कैसे बनी होगी? 37,500 यूनिट्स इंटू इनकी प्राइस। अच्छा, इनकी प्राइस है ये, और 12,500 यूनिट्स इंटू इनकी प्राइस। इनकी प्राइस क्या है? ये है टोटल सेल्स। इसका आंसर ये आ रहा है। इस इक्वेशन को देखिए और इसमें कुछ एतराज है तो बोलिए। इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स निकलेगा जो कि नॉर्मल सेल प्राइस है, उसका 0.8 इनकी सेल प्राइस होगी और उसका 0.95 इनकी सेल प्राइस होगी। ये आ जाएगा 1600 और ये आ जाएगा 1900। तो 1600 इंटू ये और 1900 इंटू ये, इस तरह से कंटिन्यू ऑप्शन की सेल्स निकलेंगी। कहाँ लिखा है ये उसने बात शुरू की है, उसने कहा जी यूजिंग द ओरिजिनल बजट डॉक्यूमेंट फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन हैज बीन एक्सट्रैक्टेड रिलेटिंग टू नॉमिने। ये जो फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन है ये रिलेटिंग टू नॉमिने, ये पूरे साल का बजट नहीं है, ये उसने नॉमिने की इन्फॉर्मेशन दी है। अब ये उसने कहां से निकाली है? वो वैसे कह रहा है कि उसने बजट से निकाली है, ये नॉमिने की फिगर है। कंटिन्यू ऑप्शन की सेल्स, हाँ जी, जिन्होंने किया है कंटिन्यू ऑप्शन की सेल्स, डायरेक्ट मटेरियल, ये कल वाला सवाल, हमें इसके लिए कितने किलो चाहिए? हाँ जी, किलो तो नहीं पता, इसलिए उसने क्या किया, कल तो किलो बताए थे ना, अब 36 मिलियन का मटेरियल चाहिए, 3.4 का पड़ा हुआ है। देखिए ये जो 9 महीने में मजीद काम होना है ये उसके लिए मटेरियल चाहिए ना, लेकिन जितना पहले पड़ा हुआ है वो तो पड़ा हुआ यूज़ कर लेंगे, जो नया ख़रीदना पड़ेगा वही है ना रेलिवेंट। लेकिन इसमें चूंकि ये वेरिएबल चीज़ें हैं तो ये कितने यूनिट्स का है? हमने 45,000 बनाने हैं, 36 मिलियन, 50,000 यूनिट्स का था, हमने 45 बनाने हैं, तो इतने रुपए का मटेरियल चाहिए। ये पड़ा हुआ ये तो यूज़ करेंगे, बाकी है जो ख़रीदना पड़ेगा, ये एडिशनल मटेरियल कॉस्ट। स्किल्ड लेबर अपनी तो गई छोड़ के, लेकिन जो हमें कॉन्ट्रैक्ट पे स्किल्ड लेबर लानी पड़ेगी उसके ऊपर लर्निंग कर्व टेस्ट किया हुआ, नहीं ये इधर गया, ये जो अपनी स्किल्ड लेबर थी वो अपनी स्किल्ड लेबर के बारे में बात ये लिखी हुई है, ये ऑल स्किल्ड लेबर इन्होंने रिजाइन कर दिया। तो अब जो हमें कॉन्ट्रैक्ट पे लेबर लानी पड़ेगी उसके लिए इसमें लर्निंग कर्व टेस्ट हुआ, ये वो लर्निंग कर्व, ये तो बाप के बाएं हाथ का खेल है, ये लर्निंग कर्व की कैलकुलेशंस की है।
राउंडिंग ऑफ किसी का मसला हो तो हो, तो राउंडिंग ऑफ कोई मसला नहीं है, कोई इशू नहीं है राउंडिंग ऑफ। ये लर्निंग कर्व लगा के ये टोटल आर्ज निकाले मैं, कोई बात नहीं राउंडिंग ऑफ। मैंने इसको बिल्कुल राउंड ऑफ जीरो कर दिया था, यानी मैंने इसमें टोटल राउंड ऑफ ले लिया था, कोई डेसिमल नहीं। मैंने एक्सेल पे किया हुआ ये टोटल, मैंने ये कर लिया, कोई डेसिमल नहीं लिया। आप डेसिमल लेंगे तो उससे थोड़ा सा फर्क आ जाएगा, कोई मसला नहीं है। स्किल्ड लेबर के आर्स 15 बैचेज हैं, क्योंकि 45,000 यूनिट्स बनाने और 3,000 एक बैच में होंगे, तो ये 15 बैचेस को सॉल्व किया हुआ है। तो ये आगे स्किल्ड लेबर की कॉस्ट। सुपरवाइजर की सैलरी पहले बता चुका था। सेल ऑफ प्लांट एग्जिस्टिंग खत्म करते हैं तो इतने का बेचेंगे, नहीं तो इतने का बेचेंगे, ये भी कल वाले सवाल वाला पॉइंट है। ओवरहेड वाली बात समझ लें, अगर तो हमने इन लोगों को हायर किया और कोई ट्रेनिंग नहीं दी, तो जितने ओवरहेड्स पहले लगे थे उससे 5% ज़्यादा लग जाएंगे। लेकिन अगर हम इनकी ट्रेनिंग पे खर्चा कर लें, तो इन ऑर्डर टू अवॉइड दिस, यानी वेरिएबल ओवरहेड्स उतने ही रहे, उतने मतलब इन टोटल उतने ही रहे, वेरिएबल ओवरहेड्स पर यूनिट इतने ही रहे, तो उसके लिए हमें ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। अगर ट्रेनिंग ना दी तो अगर 100 रुपये ओवरहेड लगते थे तो 105 लग जाने। तो ट्रेनिंग दें या ना दें, खर्चा कंपेयर कर लेते हैं। ट्रेनिंग पे कितना खर्चा होना है? 4.5। और इस ट्रेनिंग से फायदा क्या होना है? यानी एक तरफ है ओवरहेड्स का 5% बढ़ना और एक तरफ है 450 खर्च करना। तो बेहतर क्या है? अगर ओवरहेड्स बढ़ने दिए तो इतने बढ़ जाएंगे, और अगर ये बढ़ना बचाना चाहें तो अच्छा ये ना दोबारा सुने बात। एग्जिस्टिंग लोग तो गए, जो नए लोग लाएंगे चूंकि ये ट्रेंड नहीं है, तो जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्शन में एक यूनिट पे अगर 100 रुपये वेरिएबल ओवरहेड्स आते थे तो अब 105 आ जाने हैं। अगर 100 रुपये ऐसे ही बोला मैंने, अगर 100 रुपये वेरिएबल ओवरहेड्स होते थे तो अब 105 हो जाने जा रहे हैं। लेकिन ये जो एक्स्ट्रा बढ़ रहे हैं, हम ये अवॉइड कर सकते हैं अगर उनकी ट्रेनिंग करवा दें। तो ट्रेनिंग का खर्चा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, कंपेयर कर लेते हैं। ट्रेनिंग पे खर्चा होना है इतना, और इससे क्या अवॉइड हो जाना था? का बढ़ना। तो वो जो वेरिएबल ओवरहेड्स बढ़ने थे वो इतने बढ़ने थे, इसको अवॉइड करने के लिए खर्चा इतना करना है। अगर ये 500 होता तो हम बढ़ने देते, लेकिन चूंकि ये कम है इसलिए हम ट्रेनिंग करा लेंगे। अच्छा, आप जब ट्रेनिंग करवाएंगे तो खर्चा 450 लिखेंगे और वेरिएबल ओवरहेड भी बढ़े वाले नहीं लिखेंगे। फिर दोबारा देखें, बजट बता रहा है कि 50,000 यूनिट्स बनाएंगे तो इतने वेरिएबल ओवरहेड होंगे, 45 बनाएंगे तो इंटू 45 डिवाइड बाय 50। अगर हमने वर्कर्स की ट्रेनिंग करा दी तो इतने ही ओवरहेड ही होंगे ना, या 5% बढ़ जाने। तो चूंकि हम ट्रेनिंग कराने का फैसला कर रहे हैं इसलिए वो वेरिएबल ओवरहेड मैंने वो 11 वाले ही ले लिए। लेकिन अगर ट्रेनिंग ना लिखते हैं यहाँ, क्योंकि वो महंगी होती, तो फिर हम 5% इंक्रीज वाले वेरिएबल ओवरहेड लिखते हैं। बस ये था सवाल। अच्छा जी, इसमें ना अदर इंफॉर्मेशन में एक पॉइंट लिखा हुआ है कि 2500 यूनिट्स डिफेक्टिव भी पड़े हुए हैं, इनका क्या करना? हम फैक्ट्री को खुद इस्तेमाल करें 9 महीने या किराए पे दें, इनके बारे में कोई इस्तेमाल नहीं बताया, तो ये इन एनी केस हम बेचने ही लगे, तो इसलिए दोनों ऑप्शंस में ये इररिलेवेंट लेंगे। ये था जी स्प्रिंग 22 का सवाल। अब इसमें आपने कुछ पूछना है तो पूछें। 20 नंबर है। हाँ 36 बनते हैं वैसे, लेकिन अच्छा देखें, चलें अभी स्प्रिंग 22 खोला हुआ है तो अभी बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 8 नंबर, अगर आपने इन्वेंट्री मैनेजमेंट अच्छी तैयार की हो तो ये एक आसान सवाल था। क्वेश्चन नंबर 2, ये तो खैर CVB में कराऊंगा, ये टारगेट कॉस्टिंग में बताऊंगा, लेकिन ये भी कोई मुश्किल सवाल नहीं था। क्वेश्चन नंबर 3, अगर आपने अच्छी प्रैक्टिस की होती, जितना पढ़ाया है सब प्रैक्टिस की होती, ये मैं उन अटेम्प्ट वाले बच्चों की बात कर रहा हूँ, तो ये लेबर में, ये लेबर का एक सवाल है, ये उसी की कॉपी था। अच्छा फिर क्वेश्चन नंबर 4, ये CVPI पढ़ाना है।
क्वेश्चन नंबर 5 ओवरहेड्स का, ये एक आसान सवाल था। क्वेश्चन नंबर 6 वेरियंस का, इंतहाई आसान सवाल था। ये मैंने 2008 का सवाल कराया था, ये उसी का आसान वर्जन था, ये आसान सवाल था, ये आपने किया हुआ होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 8 ये मैंने मार्जिन अब्जॉर्प्शन का सवाल खुद बोर्ड पे सॉल्व किया था, ये किए हुए सवाल, बल्कि मैंने शायद सबसे पहला सवाल ये कराया था आपको। ये प्रोसेस कॉस्टिंग का, प्रोसेस 2 पे इतनी मेहनत कराई थी, मटेरियल रिवाइज करेंगे तो फिर, तो ये उस प्रोसेस कॉस्टिंग का सवाल था। तो बताने का मकसद ये है कि पेपर में कोई सवाल अगर बहुत मुश्किल आ जाए ना, तो उसके बैलेंस के लिए बाकी फिर हल्के बन जाते हैं। तो इसलिए बाकी पेपर के लिहाज से अगर देखा जाए, तो अगर वो सवाल मुश्किल था तो पर बाकी आसानियां भी थी। ये सवाल अगर किसी ने वाकई किया होता, चलो उस पर अगर घंटा भी लगा दिया होता, तो फिर भी बाकी पेपर 2 घंटे में मैनेज हो सकता था। लेकिन चलें, अभी सवाल अभी सामने खोला ही हुआ है, तो इसी की पेपर की नसीहत करता हूँ। पेपर में आपने सवाल देखा और आप देखते ही रह गए इसको, और ये यहाँ से देखना शुरू किया था, एक तो पूरा पेज लगा, फिर दूसरे पेज पे गए तो ऑप्शन 2 तब शुरू हुई है, और फिर 20 नंबर देखे। अब इस 20 नंबर के सवाल के लिए या तो बाकी पेपर, अच्छा आपने पेपर जब शुरू में देखा तो इस सवाल को पहला नहीं करना, ये पहला नहीं, वरना ये आखिरी हो जाएगा, तो इसलिए इसको छोड़ा, बाकी सवाल किए। अब आपने बाकी जो जो कर सकते थे आपने किए, उससे ज़्यादा भी और उस वक्त माइंड में क्लिक नहीं कर रहा आपको, आखिरकार सवाल को ही कहीं 1.5 घंटा 2 घंटे गुजर चुके थे, आपने सवाल को शुरू किया, लेकिन सवाल को देख के ना हिम्मत पड़ नहीं रही है। अब आपने 20 नंबर का एक बड़ा सवाल देख के हिम्मत हार के छोड़ना नहीं है इसको, इस सवाल को पढ़िए। 20 नंबर का मतलब है कि 35-36 मिनट तो बनते हैं, चलो 10-15 मिनट तो लगाएं ना। अब वो 10-15 मिनट आपने गालियां देने में नहीं लगाने एग्जामिनर को, वो 10-15 मिनट आप इस सवाल को देखें, जो कर सकते हैं जितना सॉल्व कर सकते हैं कर दें, क्योंकि पूरा सवाल देखिए, सवाल आपने पढ़ा, आपको कुछ खास समझ नहीं आया, लेकिन सवाल अच्छा पढ़ा जरूर, लर्निंग कर्व तो सॉल्व कर सकते हैं ना, ये तो आता ही होगा, लर्निंग कर्व की कैलकुलेशन करते हैं, कहीं ना कहीं तो होनी होगी यूज। अब कोशिश अपनी तरफ से पूरी कर लें कि प्लान बन जाए, अगर कुछ समझ नहीं आ रहा तो वर्किंग्स की हेडिंग देके जो जो कैलकुलेट कर सकते हैं कैलकुलेट कर दें, क्योंकि जो जो आपने कैलकुलेट किया होगा जितना भी याद आ रहा है, देखिए ये तो पता चलना कि लर्निंग है इसके अंदर। ये मैं आपको एग्जाम की सिचुएशन बता रहा हूं कि आप 20 नंबर का सवाल मुश्किल देख के छोड़े नहीं, जो इसका सिर पैर समझ आ रहा है, जिस हद तक भी समझ आ रहा है, अगर सवाल के ओवरऑल प्लान समझ आ जाता है कि ऑप्शन 1 ऑप्शन 2 को कंपेयर करना है, ऑप्शन 1 की हेडिंग दें, उसमें जितनी भी लाइन, रेंट इनकम तो शायद कर ही लेंगे, तो इसलिए सवाल छोड़ने की बजाय इसमें जितनी भी लाइंस आप कर सके वो कर देना, क्योंकि 36 मिनट तो तकरीबन इसके लिए ऑफिशियली बनते हैं। आप अगर 10-15 मिनट भी इस पे लगा देना, हो सकता है किसी ने ये हिम्मत की हो और 20 में से 7-8 नंबर हासिल भी कर गया हो, लेकिन उसके मुकाबले पे वो स्टूडेंट जिसने सवाल को देखते ही छोड़ दिया होगा, और वो 7-8 नंबर जो थोड़ी सी हिम्मत करके ले सकता था, वो 47 पे फेल हो गया होगा। तो इसलिए पेपर में कभी इस तरह के सवाल को फेस कर लें तो सवाल नहीं छोड़ देना, जितना उससे समझ आ रहा है चलो पूरा टाइम ना लगाएं, 10-20 मिनट तो लगा दें जितने बनते हैं, तो इसलिए जितना कुछ कर सकते हैं वो कर दें। और आखिरी हल, आपको सवाल का कोई सिर पैर समझ नहीं आ रहा, फिर भी वर्किंग्स की हेडिंग दें और जो जो कुछ सवाल में से आता है वो कर दें, क्योंकि अगर वो वाकई करना हुआ तो नंबर मिलेंगे, वो इस बात के नंबर तो नहीं काट लेगा कि किसने अभी अपने से तुके लगाए। आपको कैसे पता पेपर देखिए आपने तुके लगाए, आपने अगर लर्निंग कर्व कैलकुलेशन कर दी, उसको कैसे पता कि आपने तुक्के लगाए, उसको लगा होगा इतना समझ आ रहा था इतना इसने कर दिया, तो अगर लर्निंग कर्व के 8 निकालने के 3 नंबर थे तो 3 नंबर तो आए ना बगैर समझे भी सवाल को। तो इसलिए अगर कुछ भी नहीं कर पा रहे तो वर्किंग्स की हेडिंग देके जो जो कुछ कैलकुलेट कर सकते हैं कर दें कैलकुलेट, क्योंकि उसके नंबर रखे होंगे वर्किंग्स के। तो इसलिए सवाल में पेपर में 100 नंबर में से आपने, ये तो खैर मेरे आखिर की नसीहतें होंगी, लेकिन अभी चूंकि सवाल का जिक्र आ गया था इसलिए बात कर रहा हूं, 0 से लेकर 50 तक जहां से जितने नंबर मिल रहे हैं बस खींच के संभालते रहे, क्योंकि जब इंसान चलता है ना 100 नंबर के पेपर से नीचे की तरफ, अब आप ये देखेंगे, आप इस सवाल को जब शुरू में ही देखेंगे और आप ये फैसला कर लेंगे कि 20 नंबर गए, अब आप ना गए गए आप पीछे धकेलते जा रहे हैं, अब अपने आपको पीछे लाते जा रहे हैं, आपने कहा जी 20 गए, फिर आपकी नज़र पड़ गई इस पे एब्जॉर्प्शन पे, आपने कहा यार तो मुझे आता नहीं था, 13 और गए, अब ये 20 गए 13 गए। और अगर उसी अटेम्प्ट से पहले घर में रिश्ते की बात चली थी और ये चली थी कि ये अटेम्प्ट पास कर लो, तो इसलिए ना इस तरह के सवालों में आप हिम्मत नहीं हारनी, बस जो जितना कर सकते हैं उतना कर दें। चलें ठीक है, ये सवाल हो गया डिस्कस, इसमें आपने अगर मजीद कुछ पूछना है तो मैं आपका होमवर्क यही कह रहा हूं कि आप इस सवाल को दोबारा अटेम्प्ट करिए और खास तौर पे ऑटम 15 से कंपेयर जरूर करिए।
मैंने फर्दर प्रोसेसिंग डिसीजन की इंट्रोडक्शन फर्दर प्रोसेसिंग डिसीजन का इंट्रोडक्शन दे दिया था, उसका एक सवाल कराता हूं अभी और एक और करा दूंगा और ये डिसीजन मेकिंग बहुत है, सीवीपी पे आऊंगा फिर। आप पढ़ लीजिए क्वेश्चन। मार्च 2013 एक्स्ट्रा क्लास है आज। मार्च 2013 क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ लें, मैं करता हूं बोर्ड पे। मार्च 2013 यानी स्प्रिंग 2013। यार गर्मी तो नहीं लगनी चाहिए, ये पहले चल रहा था क्या? ये तो मेरे ख्याल में शायद खराब है, ये मैंने किया भी था लेकिन ये फिर डाउन हो गया था। नहीं ये खराब है, ये चल रहा है, चला रहे यार ऑन ही है मुझे लग रहा है। नहीं वो ब्रेकर भी ऑन ही है मेरे ख्याल में। 28 इस पे भी, ये भी देखिए ओरिएंट वाला हूँ। चलो यार कोई तो फायदा हो आपकी जिंदगी में। यार अभी ना कोर्स के एंड पे इस तरह की बातें ना किया करें, बस पढ़ते जाएं, बस पढ़ते जाएं। स्प्रिंग 13 क्वेश्चन 5 पढ़ लें, हो जाएगा इंशाल्लाह कभी कभी ना कभी खत्म। सवाल पढ़ लें जल्दी से। हाँ जी, डिपार्टमेंट ए से 2 जॉइंट प्रोडक्ट बनते हैं पोलन और सिग्मा, और
स्टिग्मा तो हो जाता है सेल, लेकिन जो पोलन है वो उसी वक्त भी बेच सकते हैं और उसको डिपार्टमेंट बी में भेज के आगे सीड्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो तीनों की सेल प्राइस, सेलिंग एक्सपेंसेस दिए हुए हैं और दो डिपार्टमेंट्स का डाटा दिया हुआ है, और जॉइंट प्रोडक्ट्स में कॉस्ट बांटी जाती है एनआरवी की बेस पे। तो पार्ट ए तो हो गया प्रोसेस कॉस्टिंग का, ये तो आप लोग चीते हैं तो कर ही लेंगे। पार्ट बी, एडवाइस करें कि पोलन को विदाउट फर्दर प्रोसेसिंग बेच दें या उसको सीड्स बना के बेचें। पार्ट ए नहीं कर रहा मैं, पार्ट ए जॉइंट कॉस्ट को बांटना है, जॉइंट चलिए जितने में आपको याद कराना है उतने में तो सॉल्व ही कर दूंगा। क्वेश्चन 5 स्प्रिंग रूटीन पार्ट ए, प्रोसेस कॉस्टिंग में हम लोग क्या करते हैं, पहले सबसे पहले क्वांटिटी स्केड्यूल, ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस है नहीं, इनपुट मटेरियल ए मटेरियल एक्स 75,000 केजी, क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस है नहीं, और इनपुट आउटपुट रेशो 100:88 का क्या मतलब है कि नॉर्मल लॉस 12% है, ओपनिंग क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस है नहीं तो इसी का 12% 9000 और अब नॉर्मल लॉस भी नहीं, आउटपुट भी नहीं बताया, तो बस फिर आउटपुट ऐसे ही निकलेगा 66,000। इस आउटपुट के दो हिस्से हैं, इनमें से पोलन कितना है और स्टिग्मा कितना है। पहले पैराग्राफ में कहा हुआ है कि बोलन इसमें से 65 और वो 35, 4 2 9 00 और 2 3 1 00, ये होगा क्वांटिटी स्केड्यूल। अच्छा, एक सवाल मुझे लगता है कि शायद एक ही सवाल में आई थी ये बात, मैंने इसमें आपको एक बात समझाई थी कि ओपनिंग क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस भी नहीं है, बल्कि चलो ये मैंने थोड़ी बात जल्दी कर दी बात, उससे पहले वाली बात, इसके बाद बनता है ईपी, उसके बाद बनाते हैं कॉस्ट पर यूनिट, और चूंकि जॉइंट प्रोडक्ट्स हैं तो कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड यूनिट्स निकालते हैं ताकि उसको तोड़ सके दोनों प्रोडक्ट्स में। एक सवाल कराते हुए बताया था कि ओपनिंग क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस भी नहीं थे उस सवाल में, एबनॉर्मल गेन लॉस भी नहीं था, तो ईपी में सिर्फ कंप्लीटेड यूनिट्स ही आने थे, वही ईपी में होने थे, कॉस्ट को उसी से डिवाइड करना था, पर यूनिट कॉस्ट आनी थी, फिर उसी से ही मल्टीप्लाई करके कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड यूनिट्स आ जानी थी, तो इसलिए ना ही ईपी की जरूरत ना कॉस्ट पर यूनिट निकालने की जरूरत, जो कॉस्ट फॉर द मंथ है वही जॉइंट कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड यूनिट्स है। ये मैंने ना ऑटम 17 एक सवाल डिस्कस किया था उस पर बताई थी ये बात। मटेरियल 75,000 किलो 60 रुपए का एक, डायरेक्ट लेबर 12,000 घंटे 150 का एक। अच्छा, पार्ट एक कराते हुए आपको याद करा दूं, हम ना अभी डिसीजन मेकिंग से बाहर आए हुए हैं, प्रोसेस कॉस्टिंग कर रहे हैं, तो प्रोसेस कॉस्टिंग में FOH तब तक हमने इसकी तमीज नहीं की थी कि वेरिएबल और फिक्स्ड अलग अलग, तब तक हम दोनों इकट्ठे ही लेके चलते थे, प्रोसेस कॉस्टिंग तक फिक्स्ड और वेरिएबल नहीं तोड़े थे अलग अलग। तो FOH 125 एक और 101 225 है, दोनों को मिला दिया मैंने, और लेबर आवर्स 12,000 2700 और नॉर्मल लॉस की स्क्रैप वैल्यू कोई नहीं है। ये बात दोबारा सुनिए, हम लोग प्रोसेस कॉस्टिंग में क्वांटिटी स्केड्यूल बनाने के बाद ईपी बनाते हैं, उससे कॉस्ट पर यूनिट निकालते हैं, और जॉइंट प्रोडक्ट का सवाल उस कॉस्ट पर यूनिट को यूज़ करके कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड यूनिट्स निकालते हैं, उसको फिर आगे तोड़ना होता है।
तो एक सवाल में ये बात मैंने समझाई थी, इस सवाल में डेटा है, दोबारा बता देता हूँ। ओपनिंग क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस भी नहीं है, एबनॉर्मल गेन लॉस भी नहीं है। ईपी में तीन चीज़ें होती हैं, कंप्लीटेड यूनिट्स होते हैं या अगर फाइफो है तो तोड़ देते हैं उसको, एबनॉर्मल लॉस होता है और क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस होता है। अब ना ही एबनॉर्मल लॉस है ना क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस है, ईपी में सिर्फ और सिर्फ कंप्लीटेड यूनिट्स रह गए। ईपी है ही यही बस, ये कॉस्ट पर यूनिट की वर्किंग करते हैं, अगर कॉस्ट पर यूनिट की, कॉस्ट फॉर द पीरियड लिखते डिवाइडेड बाई ईपी के यूनिट्स करते, कॉस्ट पर यूनिट आ जाती, फिर उस कॉस्ट पर यूनिट को इनसे मल्टीप्लाई करते, कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड यूनिट्स आ जाती। तो अब यही है ईपी, इसको इसी से डिवाइड करें, पर यूनिट निकालें और कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड के लिए इसी से मल्टीप्लाई कर दें, तो बस फिर ना ईपी बनाएं ना कॉस्ट पर यूनिट निकालें, इसी का टोटल ही कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड यूनिट्स। ये एक ऑटम 17 के जॉइंट प्रोडक्ट कराते हुए ये बात डिस्कस की थी। ये कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड यूनिट्स आ गई, इसकी कर देते हैं एलोकेशन। एक है पोलिन, एक है स्टिग्मा, इसके हैं 42,900, इसके हैं 23,100। पोलिन बिकता है कितने रुपए का, लेकिन इसको बेचने पे खर्च होंगे 13। ये इसकी एनआरवी होगी। स्टिग्मा एक कितने का बिकता है, लेकिन इसको बेचने पे सेलिंग कॉस्ट आएंगी, ये ऊपर वाले टेबल में नज़र आ रहा है। तो पोलन की टोटल एनआरवी बन गई 37, इसका आंसर 26, और इसकी एनआरवी बन गई 38। डबल सिक्स 24, और उनका टोटल 35। टोटल एनआरवी निकाली है मैंने, टोटल एनआरवी, इतने यूनिट्स, एक इतने का बिकेगा और सेलिंग एक्सपेंसेस टोटल ही दे दिए मैं। पर यूनिट दिए होते तो मैं 90 में से वो माइनस करके इनसे मल्टीप्लाई कर देता, क्योंकि टोटल लिए मैं तो मैंने पहले इसको 90 से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर ये माइनस हो गया। ये निकाल ली टोटल एनआरवी, इसकी रेशो में इसको बांटना है। तो जब उसको इस रेशो में बांटेंगे 9 मिलियन इस रेशो में बांटेंगे, जी, हाँ, ये असल में सवाल का कॉन्टेक्स्ट ये है कि पार्ट डी में उसने अलग से पूछा हुआ है कि बताएं फर्दर प्रोसेस करें कि ना करें। और तब ये नहीं ना एनआरवी आएगी। अच्छा, बाकी लोग भी सुने, पार्ट बी ना उसने अलग से पूछा हुआ है, पार्ट बी उसने अलग से पूछा है बताएं इसको हम सीड्स में कन्वर्ट करें कि ना करें, इसलिए सीड्स का डाटा दिया हुआ है। अगर पार्ट बी अलग से ना पूछा होता ना, तो फिर पोलन अलग से बेचने की बजाय सीड्स का डाटा ही दिया होता, फिर ये सिग्मा बीटा जैसा सवाल हो जाता। तो पार्ट बी के लिए सीड्स है, पार्ट ए के लिए बस पोलन और स्टिग्मा बिकता ही है, ये सवाल के कॉन्टेक्स्ट से पता चला। बस इसकी रेशो में 9 मिलियन को बांटना है 32400000576। ये प्रोसेस कॉस्टिंग जब आप रिवाइज कर लेंगे तो ये मैंने सब प्रोसेस कॉस्टिंग ही की है बस। अब पार्ट बी है इसका डिसीजन मेकिंग वाला, इसको कर ले नोट, फिर मैं पार्ट बी करता हूं।
पार्ट ए नोट कर लें तो मैं पार्ट बी पे आ जाऊं। पार्ट बी, पार्ट बी में पूछ रहे हैं कि बताएं पोलन फर्दर प्रोसेसिंग के बगैर बेच दें या सीड्स बनाएं, फर्दर प्रोसेसिंग डिसीजन कैसे होगा फैसला। दो ऑप्शंस अलग अलग सॉल्व कर लेते हैं। अगर हम सिर्फ पोलन को बेच दें तो ये तो ऑलरेडी कर लिया कैलकुलेट, बस अब एक ही ऑप्शन सॉल्व करनी रह गई कि अगर सीड्स बना के बेच दें तो क्या होगा। ये तो कर चुके, फर्दर प्रोसेसिंग डिसीजन के लिए ये रेलिवेंट है कि पोलन बनेगा कितने का, नहीं अब से ऑनवर्ड इतना खर्च करके इतने का बेच दें या सीड बना के बेच दें, पोलन इटसेल्फ कितने का बनेगा ये नहीं है इस डिसीजन में रेलिवेंट। तो ये तो हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया हुआ, अब रह गया कि अगर सीड बना के बेचें तो क्या। तो सीड सेल कितने का करेंगे, 1, और कितने किलो सीड्स के होंगे। अब हमें डिपार्टमेंट बी का क्वांटिटी स्केड्यूल बनाना पड़ेगा क्योंकि फर्दर मटेरियल भी ऐड हो रहा है, ये पार्ट ए नोटेड है ना। ये मैं डिपार्टमेंट बी बना रहा हूँ क्वांटिटी स्केड्यूल, ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस कोई नहीं है, ट्रांसफर इन, ये क्या चीज़ है ट्रांसफर इन, क्या आया पिछले प्रोसेस से, पोलन, पोलन आएगा ना 42,900, न्यू मटेरियल यानी मटेरियल वाई 12,000, क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस कोई नहीं है, नॉर्मल लॉस इसका या दोनों का, दोनों का 2,190, 2,190। अच्छा कैसे पता चला दोनों का, क्योंकि मटेरियल इज एडेड एट द बिगिनिंग ऑफ द प्रोसेस, बिल्कुल लास्ट में लिखा, तो डिपार्टमेंट बी शुरू होते ही नया मटेरियल डाल देते हैं। सेवन जीरो फोर, ये हैं जो सीड्स बनेंगे, इतने सीड्स बनेंगे तो इतने फिर हम बेच देंगे। 52704 6588000, इसको बनाने के लिए फर्दर खर्चे क्या क्या होंगे जो डिपार्टमेंट बी के खर्चे हैं, जैसे मटेरियल वाई डलेगा 12,000 किलो, कितने का एक 25 का एक 3,00,000, फिर लेबर काम करेगी कितने घंटे 3,600 घंटे, 165 का एक है, सिर्फ 65, 2,3,4, फिर डिपार्टमेंट बी में FOH होंगे, सिर्फ वेरिएबल लें या फिक्स भी लें, 150 है यार, 150 लेबर, 150 है, लेबर 150, FOH सिर्फ वेरिएबल लें या फिक्स्ड भी, अब तो हम डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं, फिक्स्ड भी लेंगे क्योंकि एक एक्स्ट्रा प्रोसेस होगा ना, तो उसी के लिए फिर ये वेरिएबल फिक्स, तो ये सारा कुछ इंक्रीमेंटल ही है, तो दोनों को मिला लें तो 1, दोनों मिला के 1,1,414, और डालनी चाहिए पिछली कॉस्ट कौन सी, डालेंगे पोलन की कॉस्ट, चाहे पोलन एज इट इज बेचें चाहे फर्दर सीड बना के बेचें, पोलन बनने का खर्चा तो होना ही है, क्यों ज्यादा आएगी, हम प्रोसेस 1 से पोलन तक पहले पहुंचेंगे, ये डिसीजन मेकिंग पॉइंट है कि पोलन को बेच दें या डिपार्टमेंट बी में ले जाएं इसको।
यहां डिसीजन मेकिंग पॉइंट पे खड़े हैं। तो पोलन चाहे बेचें चाहे फर्दर प्रोसेस करें, पोलन कितने का बनता है वो तो इररिलेवेंट है। तो इसलिए यहां भी पोलन की कॉस्ट नहीं ली, यहां भी पोलन की कॉस्ट लेंगे। और यहां पर क्या रिलेवेंट होगा? सेलिंग एक्सपेंसेस कितने आएंगे? 180 5154। तो हमें फर्दर प्रोसेसिंग करनी चाहिए। तो उसका कंक्लूजन ये है कि हम फर्दर प्रोसेसिंग करेंगे क्योंकि उससे ज़्यादा हमें पैसे जनरेट होंगे। ये होता है फर्दर प्रोसेसिंग डिसीजन, कि सेल नाउ की ऑप्शन की रेलिवेंट खर्चे ले लें, रेलिवेंट आइटम्स, और फर्दर प्रोसेसिंग के ले लें। लेकिन इन एनी केस ये पोलन इटसेल्फ कितने का बनेगा ये नहीं है रेलिवेंट, क्योंकि चाहे बेचें चाहे फर्दर प्रोसेस करें पोलन बनाने का खर्चा तो होना ही होना है। ये फर्दर प्रोसेसिंग डिसीजन है। और चूंकि पास्ट में ऐसा होता रहा है कि सेम सवाल रिपीट होते रहे, इसलिए मैं अगली क्लास में ना इसका एक और सवाल कराऊंगा जो सिर्फ फर्दर प्रोसेसिंग नहीं है, फर्दर प्रोसेसिंग मिला के एक बहुत ओवरऑल जनरल सवाल था, वो कराऊंगा मैं अगली क्लास में। और बस डिसीजन मेकिंग बहुत है और कोशिश तो पूरी करूँगा कि वो सवाल पूरा करके मैं हाई लो मेथड करा सकूँ, कोशिश करूँगा पूरी। तो अगली क्लास में इंशाल्लाह मिलते हैं। हाई लो मेथड CVP के लिए ही एक कैलकुलेशन है जी CVP। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।